हेलो स्टूडेंट, स्टार्ट करने जा रहे हैं न्यू यूनिट। हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन। हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन, ये आपकी न्यू यूनिट है ऑर्गेनिक की। ऑर्गेनिक की ट्वेल्थ की फर्स्ट यूनिट है हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन। क्लियर? तो अब हम स्टार्ट करेंगे हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन। इसमें हम स्टार्ट करेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन। क्या स्टार्ट कर रहे हैं? मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन। सिंपल सा है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन के अंदर। फर्स्ट टॉपिक है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन के अंदर, कौन सा टॉपिक है? फ्रॉम अल्कोहल। फ्रॉम अल्कोहल, क्लियर है? फ्रॉम अल्कोहल में बेटा अब हम स्टडी करेंगे फ्रॉम अल्कोहल की। अल्कोहल से हम किसको प्रिपेयर करेंगे? हेलो एल्केन को। तो सिंपल सा है, जरा देखिए CH3 CH2 OH, क्लियर? इसका नेम है बेटा इथेनॉल, इथ एन और ऑल, क्लियर? इसकी रिएक्शन कराई मैंने किससे कराई? HCl से। किससे कराई बेटा? HCl से। एनहाइड्रस ZnCl2 की प्रेजेंस। किसकी प्रेजेंस में? ZnCl2 की प्रेजेंस। अब देखिए बेटा ये H पॉजिटिव में ब्रेक कर रहा है, किस में ब्रेक कर रहा है? H पॉजिटिव, और Cl नेगेटिव। अगर बेटा ये H पॉजिटिव एटम दे रहा है तो बेटा इसे क्या प्रोवाइड करना पड़ेगा? OH नेगेटिव। ये OH नेगेटिव में ब्रेक करेगा और दिस पार्ट पॉजिटिव। तो बेटा पॉजिटिव नेगेटिव से अटैक, पॉजिटिव नेगेटिव पे अटैक कर जाएगा एंड नेगेटिव पॉजिटिव पे अटैक कर जाएगा। तो बेटा H पॉजिटिव और OH नेगेटिव मिलके क्या बना रहे हैं? वाटर बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? वाटर, क्लियर? प्लस बेटा क्या बन गया? हेलो एल्केन CH3 CH2 Cl, क्लियर? CH3 CH2 Cl। तो बेटा इसका नेम क्या होगा? इथ क्लोरो, इथ और सिंगल बॉन्ड है तो एन। सिंपल सा है, क्लोरो इथेन। तो ये प्राइमरी अल्कोहल था आपके पास, प्राइमरी अल्कोहल से आपके पास क्या बन गया? प्राइमरी हेलो एल्केन की फॉर्मेशन हो गई, क्लियर है? नेक्स्ट अब हम स्टडी कर रहे हैं सेकेंडरी अल्कोहल की। किसकी स्टडी करेंगे? सेकेंडरी अल्कोहल की। तो सिंपल सा सेकेंडरी अल्कोहल में भी सिंपल सा है बेटा, आप तो यहां से एक एच एटम को रिमूव कर देंगे और यहां पर ये CH3 अटैच कर देंगे, यहां पर भी एक एच एटम को रिमूव कर देंगे और यहां पर एक CH3 अटैच कर देंगे। इसमें भी वही सिंपल सा है, OH एटम किसके साथ चला जाएगा? H के साथ, क्योंकि OH नेगेटिव में है बेटा, ये दिस पार्ट पॉजिटिव में है। तो OH नेगेटिव है, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव मिलके क्या बना रहा है? वाटर बना रहा है। क्या बना रहा है? वाटर, क्लियर है? और नेक्स्ट आपके पास Cl आपके पास अटैच हो गया सेकेंडरी कार्बोकैटायन के ऊपर। सेकेंडरी कार्बोकैटायन के ऊपर क्या अटैच हो गया? Cl, यानी ये सेकेंडरी हेलो एल्केन्स की फॉर्मेशन हो गई आपके पास। नेक्स्ट हम थर्ड बात करते हैं टर्शियरी अल्कोहल के बारे में। पहले इसकी नेमिंग देख लेते हैं, नेमिंग क्या हो जाएगी इसकी? प्रो एन टू ओल बेटा, क्लियर है? इसकी नेमिंग क्या हो जाएगी? इसकी नेमिंग हो जाएगी 2-chloro प्रो और सिंगल बॉन्ड है तो एन। सिंपल सी बात है, क्लियर है? तो बेटा ये सेकेंडरी अल्कोहल से आपने सेकेंडरी हेलो एल्केन की फॉर्मेशन कर ली। एंड टर्शियरी, अब टर्शियरी अल्कोहल की देखते हैं बेटा, टर्शियरी अल्कोहल की रिएक्शन देखते हैं। टर्शियरी अल्कोहल में एक एच एटम और रिमूव कर देंगे आप, दिस पार्ट पॉजिटिव दिस पार्ट नेगेटिव। वही यहां पर भी आप यहां से इस एच एटम को रिमूव करेंगे और यहां पर क्या रिमूव जाएगा आपके पास? CH3। इसमें भी सिंपल सा वही लॉजिक लग रहा है, लेकिन इसमें एक बात का ध्यान रखिए, जो टर्शियरी अल्कोहल है वो जो रिएक्शन होगी वो रूम टेम्परेचर पर होगी। रूम टेम्परेचर के ऊपर। रीजन क्या है इसका? क्योंकि टर्शियरी अल्कोहल बेटा मोर रिएक्टिव होता है। क्या होता है? मोर रिएक्टिव। और मोर रिएक्टिव होने के कारण जो ये जो रिएक्शन है ये परफॉर्म हो जाएगी रूम टेम्परेचर के ऊपर ही। किसके ऊपर परफॉर्म हो जाएगी? रूम टेम्परेचर के ऊपर। तो सिंपल सा है बेटा, इसमें OH नेगेटिव हो गया और H पॉजिटिव OH नेगेटिव को लेके क्या बना लेगा? वाटर। और Cl इसके साथ क्या हो जाएगा? अटैक। जो टर्शियरी कार्बन कैटायन है उसके साथ क्या अटैक कर जाएगा? उस पर Cl अटैक कर जाएगा, यानी पॉजिटिव में नेगेटिव पार्ट क्या कर जाएगा? अटैक कर जाएगा। सिंपल सा है। तो ये टर्शियरी आपके पास हेलो एल्केन की फॉर्मेशन हो गई है। तो टर्शियरी अल्कोहल में बेटा अगर इसका कॉमन नेम देखें
तो सिंपल सी बात है, ब्यूटाइल अल्कोहल है। क्या है? ब्यूटाइल अल्कोहल। और इसका आईयूपीएसी नेम देखें तो देखिए क्या है आईयूपीएसी नेम, टू मिथाइल प्रो एन टू ऑल। क्लियर? इसका आईयूपीएसी नेम अगर आप चेक करेंगे तो क्या होगा, टू क्लोरो टू मिथाइल टू क्लोरो टू मिथाइल, क्या बन जाएगा, प्रो और सिंगल बॉन्ड है तो बेटा इन। यानी आपने प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल एंड टर्शियरी अल्कोहल से क्या बनाना सीखा, प्राइमरी हेलो एल्केन, सेकेंडरी हेलो एल्केन एंड टर्शियरी हेलो एल्केन। तो आपने प्रिपरेशन की अल्कोहल से किसकी, हेलो एल्केन की। तो सिंपल सा है बेटा। अब जरा हम रिएक्टिविटी के बारे में देखते हैं, जो अल्कोहल की रिएक्टिविटी है, किसकी रिएक्टिविटी है, अल्कोहल की जो रिएक्टिविटी है। आपको मैं बता दूं, जो टर्शियरी अल्कोहल है वो मोर रिएक्टिव है सेकेंडरी अल्कोहल से, और सेकेंडरी अल्कोहल मोर रिएक्टिव है किससे, प्राइमरी अल्कोहल से। क्लियर है? तो बेटा टर्शियरी अल्कोहल मोर रिएक्टिव है सेकेंडरी अल्कोहल से, एंड सेकेंडरी अल्कोहल मोर रिएक्टिव है प्राइमरी अल्कोहल से। फ्रॉम अल्कोहल के अंदर अब हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, फ्रॉम अल्कोहल के अंदर ही। क्लियर है? जरा देखिए फ्रॉम अल्कोहल में CH3OH की मैं रिएक्शन करा रहा हूँ HCl से। आप कहोगे सर अभी तो करके देखी थी हमने, H पॉजिटिव में ब्रेक किया था Cl नेगेटिव में, एनहाइड्रस ZnCl2 लिया था आपने, OH H एटम को लेके क्या बना लेगा, वाटर बना लेगा, आपको पता है क्या बन गया, CH3Cl। क्लियर है? यानी ये आपके पास क्या है, मिथ एन ओल, और ये आपके पास क्या बन गया, क्लोरोमीथेन। क्या बन गया, क्लोरोमीथेन। तो सिंपल सा है, फर्स्ट आपने प्रिपेयर कर लिया हेलो एल्केन, नेक्स्ट हम रिएक्शन करते हैं। नेक्स्ट आपकी रिएक्शन करा रहा हूं मैं अल्कोहल की CH3OH की, मैं रिएक्शन कराने जा रहा हूं PCl5 के साथ। किसके साथ, PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। सिंपल सा है, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड में बेटा बेटा एक CH3 1 CH3 1 Cl को लेके रिमूव हो जाएगा, यानी CH3Cl बेटा एक H एक Cl को लेके निकल जाएगा, प्लस HCl प्लस बेटा बच क्या गया, P बच गया, O बच गया Cl3, यानी आपके पास बच गया POCl3। सिंपल सा है बेटा, ये आपके पास क्या है, अल्कोहल है। क्या है, अल्कोहल। आपके पास ये क्या है, क्लोरोमीथेन। क्या है, क्लोरोमीथेन यानी हेलो एल्केन। तो आपने फास्फोरस पेंटाक्लोराइड की अगर आप अल्कोहल से रिएक्शन कराते हैं तो हेलो एल्केन की आप फॉर्मेशन कर लेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं बेटा किसके साथ, SOCl2 के साथ। किसके साथ रिएक्शन कर रहे हैं हम, SOCl2। देखिए SOCl2 में सिंपल सा है, A1CH3 1 Cl को लेकर रिमूव हो जाएगा। क्लियर है? बेटा एक H एक Cl को लेकर निकल जाएगा। क्लियर है? प्लस बच क्या गया, 1S 1O and 1O। किसकी फॉर्मेशन हो गई, सल्फर डाइऑक्साइड गैस की। किसकी फॉर्मेशन हो गई, सल्फर डाइऑक्साइड गैस की। नेक्स्ट हम स्टडी कर रहे हैं बेटा PCl3 के ऊपर। किसके ऊपर स्टडी कर रहे हैं, PCl3। नेक्स्ट देखते हैं PCl3 1CH3 1Cl को लेके निकलता है, आपको पता है, लेकिन हम यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, 3CH3 3Cl को लेके निकल जाएंगे, यानी CH3Cl की फॉर्मेशन हो गई बेटा 3 मोल। क्लियर? बच क्या गया बेटा, H3 टाइम्स है हमारे पास, H3PO3 प्लस H3PO3। सिंपल सा है बेटा, फ्रॉम अल्कोहल की बेटा रिएक्शंस आपकी कंप्लीट हो गई है। आपने अल्कोहल से किसके प्रिपरेशन की, हेलो एल्केन की, और ये आपने कंप्लीट कर लिया है टॉपिक। अब हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, हेलो एल्केन। स्टडी करने जा रहे हैं बेटा हम नेक्स्ट टॉपिक की। किसकी स्टडी करने जा रहे हैं, नेक्स्ट टॉपिक की। आप स्टडी क्या कर रहे थे, स्टडी कर रहे थे आप मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन। इसमें अल्कोहल आपने कंप्लीट कर लिया है, अब जो हम नेक्स्ट स्टडी करेंगे, किसकी स्टडी करेंगे नेक्स्ट, हम नेक्स्ट स्टडी करेंगे फ्रॉम एल्केन की। किसकी स्टडी करेंगे, फ्रॉम एल्केन। फ्रॉम एल्केन से आप प्रिपेयर करेंगे हेलो एल्केन। फ्रॉम एल्केन से क्या प्रिपेयर करेंगे आप, हेलो एल्केन। तो अब हम स्टडी करते हैं, देखते हैं बेटा कैसे प्रिपेयर होता है। तो बेटा हमने लिया CH4,
क्या लिया मैंने CH4, CH4 की मैंने रिएक्शन कराई Cl2 HV रेज की प्रेजेंस में, किसकी रेज की प्रेजेंस में, HV रेज की प्रेजेंस में। तो बेटा HV रेज की प्रेजेंस में Cl2 की अगर मैं रिएक्शन कराऊंगा मीथेन से, तो बेटा एक H एक Cl को लेकर क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, यानी HCl आपका क्या हो गया, रिमूव हो गया। किसकी प्रिपरेशन हो गई आपकी, आपकी प्रिपरेशन हो गई क्लोरो मीथेन। किसकी प्रिपरेशन हो गई आपकी, क्लोरो मीथेन, यानी एक एच एक सीएल को लेके क्या हो गया, रिमूव, और एक सीएल इसके ऊपर क्या कर गया, अटैक कर गया। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, नेक्स्ट हम देखेंगे बेटा फिर सीएल टू से रिएक्शन कराएंगे एचवी रेज की प्रेजेंस में, किसकी रेज की प्रेजेंस में, एचवी की प्रेजेंस में। तो बेटा एक एच एक सीएल को लेके फिर से रिमूव हो जाएगा, यानी आपके पास एक एच एक सीएल को लेके फिर से क्या हो गया, रिमूव हो गया। तो सिंपल सा है फिर बेटा, ये क्या बन गया देखते हैं जरा, एच सी एच सी एल सी एल, यानी आपके पास प्रिपरेशन हो गई डाइक्लोरोमीथेन, डाइक्लोरोमीथेन की। नेक्स्ट फिर इसकी बेटा रिएक्शन करा रहा हूं मैं सी एल टू एच वी रेज की प्रेजेंस में। क्लियर है। फिर बेटा क्या होगा, एक एच एक सी एल को लेके रिमूव हो जाएगा, वेरी गुड, यानी एच सी एल आपका रिमूव हो गया। तो किसकी फॉर्मेशन हो गई, एच सी सी एल सी एल सी एल, इसे आप क्या कहते हैं बेटा, क्लोरोफॉर्म। क्या बोलते हैं इसे, क्लोरोफॉर्म, इसका नेम है क्लोरोफॉर्म। ओके थैंक यू। जरा देखते हैं आगे, फिर मैं इसकी सी एल टू के साथ रिएक्शन करा रहा हूं एच वी रेज की प्रेजेंस में। फिर बेटा क्या होगा, एक एच एक सी एल को लेके रिमूव हो जाएगा माइनस के एच सी एल। ओके अब जरा देखिए, जरा क्या होगा, सी एल सी सी एल सी एल सी एल। तो बेटा ये फॉर्मेशन हो गई कार्बन टेट्रा क्लोराइड की, किसकी फॉर्मेशन हो गई, कार्बन टेट्रा क्लोराइड की। तो बेटा सिंपल सा है, आपने फ्रॉम एल्केन से, आपने एल्केन से किसकी प्रिपरेशन की, एल्केन से आपने हेलो एल्केन की प्रिपरेशन की, किसकी प्रिपरेशन की, हेलो एल्केन की। लेकिन बेटा ये तो एक सिंगल ही कार्बन था, और सिंगल ही इसके ऊपर, सिंगल ही एच एटम इसके ऊपर अटैच थे, तो आपको पता था पहले वन एच एटम ये यूज किया जा रहा है, फिर ये, फिर ये, फिर ये। लेकिन अगर आपके पास प्राइमरी ग्रुप आ जाए, सेकेंडरी ग्रुप आ जाए, एंड टर्शियरी ग्रुप आ जाए, तो कहां से एच एटम रिलीज होगा, अब हम इस चीज की स्टडी करेंगे। क्लियर है। तो देखते हैं आगे जरा, क्लियर है, इसको रब कर दें, वेरी गुड, इसको अब हम रब कर रहे हैं, देखते हैं। टर्शरी जो ग्रुप है बेटा वो ज्यादा रिएक्टिव है सेकेंडरी से, सेकेंडरी किससे ज्यादा रिएक्टिव है, प्राइमरी, यानी टर्शरी एच एटम इजीली रिलीज हो जाएगा, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। क्लियर है। तो अब हम देखते हैं बेटा CH3, CH3 इसकी रिएक्शन करा रहा हूं मैं Cl2 HV रेज की प्रेजेंस में। नेक्स्ट आपके पास आ गया CH3 CH2 CH3, इसकी भी मैं रिएक्शन करा रहा हूं Cl2 HV रेज की प्रेजेंस में। नेक्स्ट आपके पास आ गया CH3 C CH3 CH CH3, इसकी भी मैं रिएक्शन करा रहा हूं Cl2 HV रेज की प्रेजेंस में। यानी आपके पास कौन कौन सी ग्रुप है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, एंड टर्शियरी है। तो प्राइमरी ग्रुप के बारे में देखिए आप, किसके बारे में देख रहे हैं, प्राइमरी ग्रुप। अब बेटा ये भी प्राइमरी पोजीशन है और ये भी प्राइमरी पोजीशन है, तो आप कहीं से भी एच एटम ले सकते हैं, क्योंकि प्राइमरी है, आपके पास सेकेंडरी टर्शियरी तो है ही नहीं, तो प्राइमरी है और प्राइमरी है, तो एच एटम लेंगे यहां से एच एटम और यहां से सीएल। तो सिंपल सा आया सी एच थ्री सी एच टू सी एल प्लस एच सी एल। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं बेटा, ये पोजीशन कौन सी है, प्राइमरी, ये पोजीशन कौन सी है, प्राइमरी, और ये पोजीशन कौन सी है, सेकेंडरी। तो कौन सी पोजीशन से एच एटम लेंगे, देखिए बेटा सेकेंडरी फिर प्राइमरी, यानी सबसे पहले टर्शरी पोजीशन देखेंगे, टर्शरी नहीं है तो फिर कौन सी पोजीशन देखेंगे, सेकेंडरी, सेकेंडरी नहीं है तो कौन सी देखेंगे, प्राइमरी। तो आपके पास कौन सी पोजीशन आई हुई है, सेकेंडरी, यानी टर्शरी तो है नहीं तो सेकेंडरी पोजीशन है, तो सेकेंडरी पोजीशन से एच एटम लेंगे और यहां से सीएल। तो CH3 CH CH3 और बेटा यहां पर CL प्लस के HCl। ओके नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपके पास बेटा कौन सी, ये कौन सी पोजीशन है, प्राइमरी,
ये कौन सी पोजीशन है प्राइमरी, ये कौन सी पोजीशन है प्राइमरी, ये कौन सी पोजीशन है टर्शरी। तो कौन कहां से एच एटम लेना है आपको, टर्शरी पोजीशन से। तो सिंपल सी बात है, टर्शरी पोजीशन से आप एच एटम लेंगे। तो यहां से सी एच थ्री, सी सी एच थ्री, सी एच थ्री और बेटा सी एल प्लस के एच सी एल। ओके, तो यानी आपने प्राइमरी हेलोएल्केन की रिएक्शन कर, प्राइमरी हेलोएल्केन की प्रिपरेशन कर ली, सेकेंडरी हेलोएल्केन एंड टर्शरी हेलोएल्केन की प्रिपरेशन कर ली, और बेटा आपने एल्केन, एल्केन से हेलोएल्केन में आप इजीली पहुंच गए किसकी हेल्प से, Cl2 HBrAZ की हेल्प से। क्लियर है? तो सिंपल सा है बेटा, ये आपका कंप्लीट हो चुका है टॉपिक। लेकिन अब इसमें एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम, क्या ले लेते हैं क्वेश्चन, जरा देखिए क्या ले लेते हैं क्वेश्चन, ले लेते हैं हम क्या ले लेते हैं क्वेश्चन, जरा देखिए अब इस क्वेश्चन के ऊपर क्वेश्चन देखते हैं इसके अंदर, ताकि आपका इजी वे में आप इस कॉन्सेप्ट को इजी वे में कर सकें। मान लीजिए मैंने एक क्वेश्चन लिखा सी एच थ्री सी एच सी एच थ्री सी एच सी एच थ्री सी एच टू। क्लियर है? मैं इसकी रिएक्शन कराऊं सी एल टू एच बी रेज की प्रेजेंस में। क्लियर है? तो सिंपल सा है, ये कौन सी पोजीशन है प्राइमरी, ये कौन सी है प्राइमरी, ये कौन सी है प्राइमरी, ये कौन सी है सेकेंडरी, ये कौन सी है टर्शरी। तो आप कहां से एच एटम लेंगे, आप कहां से एच एटम लेंगे इसमें एल्केन के अंदर। तो सिंपल सी बात है, आपको पता है टर्शरी पोजीशन से आपको एच एटम लेना है, अगर टर्शरी पोजीशन है तो, नहीं तो फिर किससे लेना है सेकेंडरी से, नहीं तो फिर प्राइमरी से। यानी सबसे मेजर प्रोडक्ट किसका बनेगा, जो टर्शरी पोजीशन से एच एटम जब आप लेंगे, यानी मेजर प्रोडक्ट आपका जब बनेगा जब आप टर्शरी पोजीशन से एच एटम को रिमूव करके सीएल की रिएक्शन कराएंगे, यानी एक एच एक सीएल को लेके रिएक्ट कर जाएगा, और सिंपल सी बात है एक सीएल यहां पर अटैक कर जाएगा, यानी टर्शरी पोजीशन पे एक सीएल एटम अटैक कर जाएगा। यानी इजी वे में आप इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से सीख चुके हैं, और इस कॉन्सेप्ट को आप हर जगह अप्लाई कर सकते हैं एल्केन के ऊपर। एल्केन की जब भी Cl2 सनलाइट की प्रेजेंस या HB रेज की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी, तो बेटा ये कॉन्सेप्ट आपका यही लगेगा, टर्शरी पोजीशन, या तो सिंपल सी बात है आपके पास टर्शरी पोजीशन होगी या सेकेंडरी पोजीशन होगी या प्राइमरी पोजीशन होगी। तो टर्शरी पोजीशन वेरी रिएक्टिव होती है, फिर टर्शरी के बाद सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। तो आप इस कॉन्सेप्ट को कंप्लीट कर चुके हैं फ्रॉम एल्केन के कॉन्सेप्ट को। नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे फ्रॉम एल्कीन की, किसकी स्टडी करने जा रहे हैं फ्रॉम एल्कीन, देखते हैं फ्रॉम एल्कीन के बारे में आगे नेक्स्ट टॉपिक की स्टडी करते हैं एल्कीन की। नेक्स्ट टॉपिक की स्टडी कर रहे हैं फ्रॉम एल्कीन, फ्रॉम एल्कीन की। एल्कीन में सबसे फर्स्टली जो हम स्टडी करेंगे वो बेटा स्टडी करेंगे सिमेट्रिकल एल्कीन। किसकी स्टडी करेंगे? सिमेट्रिकल एल्कीन। किसकी स्टडी कर रहे हैं बेटा इसमें? सिमेट्रिकल एल्कीन की स्टडी कर रहे हैं। सिमेट्रिकल एल्कीन में देखते हैं बेटा, ये सी है, कार्बन है, डबल बॉन्ड है, यहाँ पे एच एटम है, यहाँ पे एच एटम है, यहाँ पे एच एटम है एंड यहाँ पर एच एटम है। क्लियर है? इसकी रिएक्शन करा रहा हूं मैं एच बी आर से। किससे रिएक्शन करा रहा हूं मैं? एच बी आर से। बेटा एच बी आर से जब मैं रिएक्शन कराऊंगा तो बेटा एच पॉजिटिव में एंड बी आर नेगेटिव, क्योंकि बेटा ये सिमेट्रिकल ग्रुप है। क्या है? सिमेट्रिकल ग्रुप। आप जब इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, क्या करेंगे? इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, तो ब्रेक करेंगे तो सिंपल सी बात है एक पर पॉजिटिव चार्ज चला जाएगा और एक पर नेगेटिव। लेकिन ग्रुप सिमेट्रिकल होने के कारण बेटा आप कहीं पर भी पॉजिटिव का यूज कर सकते हैं और कहीं पर भी नेगेटिव का यूज कर सकते हैं। क्लियर है? तो बेटा जब ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, बॉन्ड ब्रेक करेगा तो यहां पर पॉजिटिव आ गया मान लीजिए, और यहां पर क्या आ गया? नेगेटिव। पॉजिटिव को नेगेटिव से अट्रैक्ट करा देंगे एंड नेगेटिव को पॉजिटिव से अट्रैक्ट करा देंगे। तो देखिए बेटा, सी ये सी और ये एच, ये एच। क्लियर है? तो बेटा यहां पर नेगेटिव आया हुआ है, नेगेटिव आया है तो क्या जुड़ जाएगा? पॉजिटिव एच जुड़ जाएगा, सिंगल बॉन्ड। एंड यहां पर पॉजिटिव आया हुआ है तो पॉजिटिव आया हुआ है तो क्या जुड़ जाएगा? बी आर जुड़ जाएगा, वन एच एंड वन एच। तो सिंपल सा ये ग्रुप बन क्या गया? ये बन गया सी एच थ्री सी एच टू एंड बी आर। किसके केस में? सिमेट्रिकल एल्कीन के केस में। किसके केस में हम स्टडी कर रहे हैं? सिमेट्रिकल एल्कीन की स्टडी कर रहे हैं।
तो सिमेट्रिकल अल्कीन में बेटा आप जब इसे ब्रेक करेंगे तो कहीं पर भी पॉजिटिव वर्ड या नेगेटिव वर्ड यूज कर सकते हैं, चार्ज आप लगा सकते हैं, क्योंकि ये सिमेट्रिकल है। अगर आप इन चार्ज को यहाँ पर पॉजिटिव और यहाँ पर भी नेगेटिव लगाएंगे तो भी ये सेम ही ग्रुप बनेगा, डिफरेंट ग्रुप नहीं बनेगा आपका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सिमेट्रिकल अल्कीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी वही है सिंपल सा, CH3, CH डबल बॉन्ड CH CH3, क्लियर। वही एक बॉन्ड ब्रेक करेगा, बॉन्ड ब्रेक करेगा बेटा, एक जगह H अटैच हो जाएगा और एक जगह Br अटैच हो जाएगा। तो सिंपल सा है, CH3 CH2 CH CH3, और यहां पर क्या जुड़ गया आपका, Br जुड़ गया। सिंपल सा है। तो बेटा सिमेट्रिकल एल्कीन की आप स्टडी कर चुके हैं, अब मैं आपको स्टडी कराने वाला हूं किसकी, अनसिमेट्रिकल एल्कीन की। किसकी स्टडी कराने वाला हूं, अनसिमेट्रिकल एल्कीन। तो इसी के अंदर बेटा अब हम स्टडी करेंगे अनसिमेट्रिकल एल्कीन की और रिएक्शनों को देखेंगे कैसे रिएक्शन परफॉर्म होते हैं अनसिमेट्रिकल की, यानी अनसिमेट्रिकल एल्कीन, अनसिमेट्रिकल एल्कीन, क्लियर। अब सिंपल सा है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन में CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये बेटा अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। इसकी मैं रिएक्शन कराने जा रहा हूँ HBr से। किससे रिएक्शन कराने जा रहा हूँ, HBr से। तो सिंपल सी बात है, सबसे फर्स्टली क्या होगा, बॉन्ड ब्रेक होगा। बॉन्ड ब्रेक होगा तो कहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, कहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा। तो बेटा एक साइंटिस्ट था जिसका नेम था मार्कोवनीकोव। क्या साइंटिस्ट का नाम क्या था, मार्कोवनीकोव, क्लियर। तो उसने एक रूल दिया, मार्कोवनीकोव रूल। यानी साइंटिस्ट कौन था जरा देखते हैं, मार्कोवनीकोव रूल। अब इसने क्या रूल दिया था, इसने द अनसिमेट्रिकल एल्कीन, इन डबल बॉन्ड लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम नेगेटिव स्पीसीज अटैक। यानी लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड के साथ लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन के ऊपर कौन सी स्पीसीज अटैक करेगी, नेगेटिव। द अनसिमेट्रिकल एल्कीन इन डबल बॉन्ड लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम नेगेटिव स्पीसीज अटैक। यानी एच पॉजिटिव में है आपके पास और Br किसमें है, नेगेटिव में, और नेगेटिव स्पीसीज कहां अटैक करेगी, डबल बॉन्ड के साथ लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम पर। अब नेगेटिव स्पीसीज डबल बॉन्ड के साथ लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम पर अटैक कर रही है, तो सिंपल सी बात है, जब ये बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो वहां पर कौन सा चार्ज आया होगा, पॉजिटिव, एंड यहां पर कौन सा चार्ज आया होगा, नेगेटिव। ओके, आप क्लियर कर चुके हैं। यानी अनसिमेट्रिकल एल्कीन में अगर आप, जब आप उसकी रिएक्शन कराएंगे HBr के साथ, अनसिमेट्रिकल एल्कीन की जब रिएक्शन कराएंगे HBr के साथ, तो आप सिर्फ यही चेक करेंगे लेस नंबर ऑफ डबल बॉन्ड के साथ लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम पे कौन सा पार्ट अटैक करेगा, नेगेटिव पार्ट अटैक करेगा, क्लियर है। तो आप ये किसने स्टेटमेंट दी थी, मार्कोवनीकोव रूल ने, क्लियर है। तो सिंपल सा है, आपके पास प्रोडक्ट, आपके प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो गई CH3 CH CH3, और यहां पर क्या जुड़ गया, Br। यानी ये आपके पास, इसका नेम क्या है, इसका नेम है बेटा प्रोपीन, प्रो और इन, और इसका नेम क्या है आपके पास, 2-bromo-pro-or-beta-ene, क्लियर है, कोई डाउट है। तो क्लियर कर चुके हैं आप, सिंपल सा रूल है, मार्कोवनीकोव रूल इन डबल बॉन्ड लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम नेगेटिव स्पीसीज अटैक। डबल बॉन्ड के साथ लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम पे नेगेटिव स्पीसीज क्या करेगी, अटैक करेगी, तो उसे क्या बोल रहे हैं, मार्कोवनीकोव रूल। मार्कोवनीकोव रूल के अकॉर्डिंग ही अनसिमेट्रिकल एल्कीन की क्या होगी, रिएक्शन होगी। लेकिन इसी केस में इसमें एक केस और आया, एक न्यू केस बना इसके अंदर, बेटा आप HBr से इसकी रिएक्शन करा रहे हैं। देखिए अगर ये किसकी प्रेजेंस में हो, परोक्साइड की प्रेजेंस में हो, किसकी प्रेजेंस में हो, परोक्साइड की प्रेजेंस में हो, पर ऑक्साइड, यही रिएक्शन अगर परोक्साइड की प्रेजेंस में हो तो सिंपल सी बात है, इसके ऊपर रूल लगेगा एंटी मार्कोवनीकोव रूल। अगर ये किसकी प्रेजेंस में आ जाए, परोक्साइड की प्रेजेंस में आ जाए,
अगर ये peroxide, देखो अब the unsymmetrical alkene in double bond greater number of hydrogen atom negative species attack in presence of peroxide, अगर peroxide की presence होगी तो greater number of hydrogen atom जहां पर होंगे वहां पर negative species क्या करेगी, attack करेगी। simple सी बात है, उसे बोला गया anti Markovnikov rule। तो simple सा है, इसमें product बनेगा CH3 CH2 and Br। तो सिंपल सा है, एंटी मार्कोनिक रूल में, मार्कोवनिकोव रूल में तो ये था डबल बॉन्ड के साथ लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम पे नेगेटिव स्पीशीज अटैक कर रही थी, लेकिन एंटी मार्कोनिक रूल में आपके पास इन डबल बॉन्ड ग्रेटर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम नेगेटिव स्पीशीज अटैक इन प्रेजेंस ऑफ परोक्साइड, किसकी प्रेजेंस में, परोक्साइड की प्रेजेंस में, तो उसे बोला गया एंटी मार्कोनिकोव रूल। ये एंटी मार्कोवनिकोव रूल है, अगर आपके पास परोक्साइड ना आए बेटा तो मार्कोवनिकोव रूल यूज करेंगे, और परोक्साइड आ जाए तो आप क्या यूज करेंगे, एंटी मार्कोवनिकोव रूल। वेरी गुड, क्लियर है? तो समझ में आपको आ गया होगा बेटा ये टॉपिक, यानी डबल बॉन्ड रिएक्शन आप कंप्लीट कर चुके हैं फ्रॉम एल्कीन, एल्कीन से आपने प्रिपरेशन कर ली, किसकी किसकी प्रिपरेशन की, हेलो एल्केन की, किसकी प्रिपरेशन की आपने, हेलो एल्केन। तो बेटा ये टॉपिक भी आपका क्या हो चुका है, फिनिश हो चुका है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, किसके ऊपर बात करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। तो नेक्स्ट टॉपिक बेटा आपके पास आ गया बाय एडिशन ऑफ हैलोजन टू एल्कीन्स, बाय एडिशन ऑफ हैलोजन टू एल्कीन्स। तो सिंपल सी बात है बेटा, एल्कीन ले रहे हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2, क्लियर है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। सिंपल सा है बेटा, इसमें हैलोजन ऐड करेंगे, Br2 की रिएक्शन कराई मैंने, किसकी रिएक्शन कराई, Br2 की रिएक्शन कराई CCl4 की प्रेजेंस में, किसकी प्रेजेंस में, CCl4 की प्रेजेंस में। क्या होगा, एक बॉन्ड ब्रेक करेगा, बॉन्ड ब्रेक करेगा बेटा CH2, बेटा एक Br यहां पर अटैच कर जाएगा, दूसरा Br यहां पर अटैच कर जाएगा, क्लियर है। एल्कीन में बेटा एक रिएक्शन और देख लेते हैं हम, क्या देख लेते हैं जरा देखिए, एल्कीन में आप रिएक्शन देखिए एक और, अगर आपके पास अनसिमेट्रिकल एल्कीन है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, अगर आप इसकी रिएक्शन करा रहे हैं Cl2 की प्रेजेंस में और HV रेज की प्रेजेंस में, या आप 773 केल्विन की प्रेजेंस में इसकी रिएक्शन करा रहे हैं, तो सिंपल सी बात है प्रोडक्ट क्या बनेगा, जरा देख लेते हैं प्रोडक्ट क्या बनेगा बेटा। Cl2 क्या होता है, Cl2 HV रेज या 773 केल्विन अगर आपके पास टेम्परेचर आ जाए तो ये सिंगल बॉन्ड अटैक कर रहा है, क्या है, सिंगल बॉन्ड अटैक करेगी, डबल बॉन्ड पर अटैक नहीं करेगी, ये इजीली किस पर अटैक करेगी, सिंगल बॉन्ड के ऊपर। जरा देखिए बेटा, यहां पर डबल बॉन्ड से अटैच है दोनों कार्बन एटम, ये किससे अटैच है, सिंगल बॉन्ड से, तो यहां से H एटम लिया जाएगा, क्या निकल गया HCl बेटा, रिमूव हो गया एक Cl, इस पर क्या हो जाएगा, अटैक कर जाएगा CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, और बेटा यहां पर क्या अटैक कर गया Cl। तो सिंपल सी बात है, आप बेटा ये भी कंप्लीट कर चुके हैं फ्रॉम एल्कीन के अंदर। अब मैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करूंगा, किसके बारे में बात करूंगा, नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, हैलोजन एक्सचेंज मेथड, किसके बारे में बात करने जा रहे हैं, हैलोजन एक्सचेंज मेथड। देखिए जरा, बाय हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन के अंदर सबसे फर्स्ट आई फिंकलस्टीन रिएक्शन, क्या आई, फिंकलस्टीन रिएक्शन। फिंकलस्टीन रिएक्शन में देखते हैं बेटा हम फिंकलस्टीन रिएक्शन को, ये एक नेमिंग रिएक्शन है बेटा, CH3 Cl की आप रिएक्शन करा रहे हैं NaI के साथ, किसके साथ रिएक्शन करा रहे हैं, NaI के साथ रिएक्शन करा रहे हैं बेटा, एसीटोन की प्रेजेंस में, हीट करेंगे आप इसे, तो बेटा आप देखिए Na पॉजिटिव और I नेगेटिव है, Cl नेगेटिव और दिस पार्ट पॉजिटिव, पॉजिटिव के साथ कौन अटैक करेगा, नेगेटिव, नेगेटिव पे कौन अटैक करेगा, पॉजिटिव, तो यानी आपके पास NaCl बन गया प्लस क्या बन गया CH3I, यानी हैलोजन का एक्सचेंज हो गया बेटा, इसके पास Cl था तो इसके पास I आ गया, और इसके पास I था तो इसके पास क्या चला गया Cl, तो हैलोजन का क्या हो गया एक्सचेंज, तो इसे हैलोजन एक्सचेंज मेथड भी बोला गया, क्लियर है। तो सबसे पहला जो साइंटिस्ट आया था फिंकलस्टीन, उसने बेटा इस रिएक्शन को परफॉर्म किया, हैलोजन को क्या कराया एक्सचेंज। दूसरा इसमें आया स्वार्ट, दूसरा कौन आया, स्वार्ट रिएक्शन,
कौन आया इसमें? स्वार्ट आया बेटा, इसमें नेक्स्ट आया था स्वार्ट्स रिएक्शन। स्वार्ट रिएक्शन में देखिए बेटा, हम CH3Cl की हम रिएक्शन करा रहे हैं AZF के साथ। किसके साथ रिएक्शन करा रहे हैं? AZF के साथ। तो सिंपल सा आया क्या हुआ, CH3 के साथ क्या एक्सचेंज कर गया? F प्लस AZ के साथ क्या एक्सचेंज कर गया? Cl। तो बेटा हैलोजन एक्सचेंज मेथड में एक हैलोजन दूसरे हैलोजन को क्या कर रहा है? रिप्लेस कर रहा है। यानी बड़ा साइज छोटे साइज को क्या कर रहा है? रिप्लेस। क्लियर है? तो सिंपल सी बात है, एक हैलोजन दूसरे हैलोजन को क्या कर रहा है? इसमें रिप्लेस कर रहा है। तो बेटा फर्स्ट जो थी फिंकलस्टीन रिएक्शन थी, नेक्स्ट आपके पास है स्वार्ट रिएक्शन। क्या है? स्वार्ट रिएक्शन। तो आप स्वार्ट रिएक्शन को भी कंप्लीट कर चुके हैं और फिंकलस्टीन को भी कंप्लीट कर चुके हैं। तो बेटा फर्स्ट आपका जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलोएल्केन आपका क्या हो चुका है? कंप्लीट हो चुका है। क्या हो चुका है? कंप्लीट। ठीक है बेटा, थैंक यू। नेक्स्ट आपके पास आया है इसमें होर्न्स-डीकर रिएक्शन। होर्न्स-डीकर रिएक्शन, होर्न्स-डीकर रिएक्शन में देखा, देखते हैं बेटा हम लेते हैं। होर्न्स-डीकर रिएक्शन के अंदर क्या लिया आपने? CH3 C डबल बॉन्ड O AZ। होर्न्स-डीकर रिएक्शन में क्या लिया आपने? CH3 C डबल बॉन्ड O AZ, यानी सिल्वर एसीटेट भी बोल सकते हैं इसे, सिल्वर इथेनोइट भी बोल सकते हैं। तो आपने सिल्वर एसीटेट लिया बेटा, इसकी रिएक्शन कराई आपने Br2 के साथ। किसके साथ रिएक्शन कराई? Br2। क्लियर बेटा? आपने इसे CCl4 की प्रेजेंस में क्या किया? हीट किया। क्या किया? हीट। बेटा एक AZ एक Br को लेकर निकल जाएगा, सिंपल सी बात है। क्या बन गया? AZBr, ओके प्लस। नेक्स्ट इसमें क्या निकला बेटा? हीट करेंगे तो बेटा क्या निकल गया इसमें? CO2। क्या निकल गया इसमें? CO2। नेक्स्ट बेटा क्या बच गया? CH3Br, यानी CH3Br की बेटा फॉर्मेशन हो गई। बेटा CH3Br की फॉर्मेशन हुई, AZBr की फॉर्मेशन हुई और CO2 की। AZBr को लेकर रिमूव हो जाएगा, हीट करेंगे तो क्या रिमूव हो जाएगी? CO2। यानी आपके पास सिल्वर एसीटेट और Br2 की जब आप रिएक्शन कराएंगे तो बेटा आपके पास क्या बन जाएगा? हेलोएल्केन। क्या बन जाएगा? हेलोएल्केन, यानी ब्रोमोमीथेन। किसकी फॉर्मेशन हो गई? ब्रोमोमीथेन की फॉर्मेशन हो गई और बेटा CO2 की फॉर्मेशन हुई और सिल्वर ब्रोमाइड की फॉर्मेशन हो गई। किसकी फॉर्मेशन हुई? CO2, सिल्वर ब्रोमाइड एंड ब्रोमोमीथेन। आपने क्या क्या लिया इसमें? सिल्वर इथेनोएट या सिल्वर एसीटेट भी बोल सकते हैं इसे, सिल्वर इथेनोएट भी बोल सकते हैं और Br2। हीट किया CCl4 की प्रेजेंस में, ओके। तो बेटा होर्न्स-डीकर रिएक्शन भी आपकी बेटा कंप्लीट हो चुकी है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर जाएंगे। थैंक यू।